वेलकम टेकवेड गुरु। तो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे आपके लिए यूपीपीसीएल की जो हमारी क्लासेस चल रही थी लाइव, तो 7 बजे की टाइमिंग आपकी है। नोट कर लें, जो भी बच्चे हैं शेयर कर दें, आपके भाई बहन मित्र फ्रेंड जो भी हैं उनको ये वीडियो जरूर दिखाएं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। अभी आपको कल एक क्लास दिखाई थी आर ओ ए आर ओ और असिस्टेंट अकाउंटेंट की, क्लास नंबर 1 थी। आज ये है आपकी क्लास नंबर 2। इसमें हम बात करेंगे आपके कन्वर्जन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपके बाइनरी बेस्ड होते हैं, ठीक है, डेसिमल बेस्ड होते हैं, हेक्सा डेसिमल होते हैं, या फिर ऑक्टा, चारों आपके जितने भी डेसिमल होते हैं इनके बेस 2, 0, 6, 8 या आपकी 16 होती है, इन पे हम बात करेंगे, इनके बेस पे बात करेंगे। इससे रिलेटेड आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, अच्छे टॉपिक हैं। और इसको मैंने ये वीडियो आपको कंप्लीट 1 घंटे की मिलेगी, इसमें आपका सारा टॉपिक हम कवर कर देंगे, चारों पार्ट कंप्लीट कवर कर देंगे। और पीडीएफ नोट्स के लिए ऑफर इस समय अवेलेबल आपके लिए किया गया है, यूपीपीसीएल के अकाउंट एग्जाम के लिए, आर ओ आर ओ और असिस्टेंट अकाउंट के लिए, जो कि करीबन आपको तमाम क्वेश्चन मिलेंगे पूरे टॉपिक के अनुसार, जो कि मैंने सिलेबस आपके लिए बनाया है। तो पहले जो भी 30 बच्चे आएंगे उनके लिए ऑफर है अभी खाली, ₹400 में आपको ये सारे टॉपिक के क्वेश्चन आंसर आपको इंग्लिश में प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो ये जितने भी टॉपिक हैं इन सभी के मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, कम से कम कोशिश करी जाएगी 200 से ऊपर पर टॉपिक पे क्वेश्चन दिए जाएं, तो आपके पास अच्छे खासे क्वेश्चन प्राप्त हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन आपको कहीं मिलेंगे नहीं, रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, न्यू क्वेश्चन भी होंगे, मिक्स क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बेसिक से हम एडवांस तक आपको लेके जाएंगे। करीब हमने 14 टॉपिक में इसको डिवाइड कर दिया, जिससे कि आपका पूरा पूरा जो सिलेबस है आपका कंप्लीट हो जाए। ये सिलेबस जो हमारे द्वारा बनाया गया आपको कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। तो अभी इसमें हमने 2-3 टॉपिक और ऐड कर दिए हैं, देख लिए, कन्वर्जन को भी ऐड कर दिया, लिब्रे ऑफिस सी लैंग्वेज को भी ऐड कर दिया, विंडोज ई कॉमर्स सिक्योरिटी, सभी टॉपिक को हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है। कहीं से भी किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं यूपीपीसीएल के आर ओ ए आर ओ या असिस्टेंट अकाउंटेंट के कोई भी एग्जाम हो, इससे जुड़ता मिलता जुलता कोई भी एग्जाम, जो मैंने आपको जितनी वैकेंसी बताई थी, नीलेट का कोई एग्जाम हो, सभी में ये आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो मैंने इसका ₹400 रखा है, जो शुरू के 30 बच्चे परचेस करेंगे उसके बाद इसका रेट 500 हम आपको कर देंगे, ठीक है। तो अभी आप परचेस कर सकते हैं, परचेस करने के लिए आपको मैसेज करना है 7007659485 पे कि सर हमको यूपीपीसीआर के मॉक टेस्ट की पीडीएफ परचेस करनी है, आपको मैसेज कर देना, आपको मिल जाएगी। बाकी जो क्लासेस है वो आपको फ्री मिलेंगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे क्लासेस अवेलेबल है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे बाइनरी कन्वर्जन के बारे में, तो कंटिन्यू करते हैं क्लास को और उसको देखें, वीडियो को जरूर देखें, टाइम पे देखें और शेयर करें। 7 बजे आप आ जाएगा, 7 बजे मैं क्लास आपको लाइव स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो कंटिन्यू देखें और पूरी 1 घंटे की क्लास है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो चलिए मैं आपको बाइनरी नंबर सिस्टम पे सबसे पहले ले चलता हूँ। तो बाइनरी नंबर सिस्टम जो आपका होता है क्या होता है, किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार से निकालते हैं, अगर आपको एग्जाम्पल दिया गया है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आप एक चार्ट बना लें और उसको नोट कर लें, जैसे कि मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। फिर इसकी थ्योरी देखते हैं किस प्रकार से आपकी होगी। तो एक तरफ आप लिख लें डेसिमल और एक तरफ लिख लें बाइनरी। इतना आपने लिख लिया, एक तरफ लिख लें डेसिमल, एक तरफ बाइनरी लिख लें और 4 से 5 खाने बना लें। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, इसी तरह से कॉन्टिन्यू आपके चलते जाएंगे आगे तक। तो यहाँ पर आप लिख लें 0। हमेशा जब भी आपका बाइनरी सिस्टम स्टार्ट होगा तो उसमें 2 ही डिजिट आपके होंगे, यानी कि 0 और दूसरा डिजिट क्या होगा, 1। जो आपका बाइनरी डिजिट वर्क करता है किस पे, कौन से 2 डेसिमल पे, 0 और 1 को ही आपका सपोर्ट करता है। यानी कि यह एक समझ लेती हुई इसकी किस प्रकार से बाइनरी की होती है, बाइनरी नंबर सिस्टम की। यह एक नंबर सिस्टम होता है जिसका बेस कितना होता है, 2। यानी कि इसका जो भी आप संख्या लिखेंगे, जो भी इसका आउटपुट आएगा उसके नीचे आप बेस लिखेंगे। मान लीजिए आपका जैसे कि डिजिट आया 1001, तो इसका बेस आपका जो होगा 2 होगा, यानी कि बाइनरी का जो भी बेस होगा यहाँ पे 2 होगा। सभी के आपके बेस होते हैं आपके, तो इसका जो बेस है आपका 2 है। आप देखते हैं मोबाइल में जो प्रोसेसर वगैरह होते हैं वो किस पे काम करते हैं, इन्हीं पे काम करते हैं। हेक्सा का उसमें प्रोसेसर लगा या अदर किसी के लगा, ऑक्टा का लगा हुआ, तो उसी प्रकार से ऑक्टा को और हेक्सा, इसी प्रकार के आप देखते हैं प्रोसेसर के नाम भी आते हैं, इसी से आपकी स्पीड वगैरह निर्भर करती है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4 तक का हमने लिया। अब इसका बाइनरी नंबर क्या बनेगा, 0, 0, 0, 0। 1 का क्या बनेगा आपका, अब लास्ट में आपको 1 जोड़ते चले जाना है। अब यहाँ पे 2 है तो इसका एक स्थान यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 1 0 हो जाएगा। 3 नंबर है तो यहाँ पे 0, यहाँ 1, इस प्रकार से आ जाएगा। 4 है तो 0, 1,
सॉरी 4 है आपका ये। जो तीसरा नंबर होगा, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, तो जो थर्ड नंबर आएगा यहाँ पे आपका आएगा, थर्ड नंबर में होगा 0011 आएगा, और फोर नंबर में जब आप ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 0100। समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से फाइव नंबर ऐड करेंगे तो अब यहाँ पे आपका आ जाएगा 0101। इस प्रकार से कॉन्टिन्यू चलता जाएगा। इसका चार्ट आप देख सकते हैं, बाइनरी का चार्ट बना सकते हैं, गूगल पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लें, पीडीएफ में आपका दिया गया होगा। तो इस प्रकार से कुछ चार्ट बनता है, कॉन्टिन्यू चलता है। तो अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर आपको कन्वर्सन करना है बाइनरी टू डेसिमल में, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें, आपको मिला है यहाँ पे मान लीजिए 100। इस प्रकार से ये जो आपका है बाइनरी है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसका बेस कितना होता है 2। अब इसको आपको कैलकुलेशन करना है तो क्या तरीका है, बहुत ही ईजी है, सिंपल वे में इसको निकालते हैं। तो पहली संख्या यहाँ पे क्या दी गई, ये 1 दी गई, तो 1 करेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। इस प्रकार से 1 का मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ पे संख्या कितनी बची, यहाँ पे जो बची हुई संख्या 1, 2, 3 बची, तो यहाँ पे आप किस प्रकार से लिखेंगे, 2 की पावर आपके कितने बचे यहाँ पे 3, जो बेस होगा उसके अनुसार ही आप लिखेंगे यहाँ पे, प्लस फिर आपका क्या आया, यहाँ पे क्या है आपका 0, 0 × 2 की पावर आपके फिर कितनी बची यहाँ पे 2 बची, क्योंकि अब यहाँ पे अब यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं, बेस आपको लिखते चले जाना है सभी में। अब ये वाली संख्या आपने ली तो इसके पीछे कितनी संख्या बची 2, तो आपने यहाँ पे 2 लिख दिया, फिर आपने प्लस किया, फिर आपने ये 0 उठाया यहाँ पे, 0 × बेस कितना आपका 2 है, 2 की पावर अब यहाँ पे आपको कितनी मिली, अब यहाँ पे संख्या कितनी बची 1 बची, तो यहाँ पे आपने 1 कर दिया। आगे चलते हैं इसी तरह से कॉन्टिन्यू, फिर आपने यहाँ पे प्लस लगाया, अब आपकी संख्या बची 1, तो 1 बची, 1 × 2 की पावर, अब यहाँ पे कोई संख्या बची नहीं इसके पीछे, तो आपने 0 कर दिया। अब इसको आपको कैलकुलेशन करना है पूरे को, तो कैलकुलेशन होके कितना आया आपका, ये कैलकुलेशन आया 1 × 8 प्लस 0 × 4, सॉरी यहाँ पे आपका 3 है, उसके बाद प्लस 0 × 2, उसके बाद प्लस 1 × 1, ये कैलकुलेशन आपका आया। अब इसका टोटल आपका कितना आएगा, आप जोड़े 8, ये आपका 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा, तो 8 और 1 कितना बचा, ओनली 9 आपका जो है आएगा, यानी कि जो इसका डेसिमल है 1001 बेस 2 का जो आपका डेसिमल कन्वर्जन आएगा वो आएगा आपका 9, इसका आंसर बनेगा 9। तो इसी प्रकार से आपको कोई भी कन्वर्जन मिले, अब यहाँ पर संख्या कुछ भी हो सकती है, जैसे कि 1, 2 है, 0, 2 हो गया, इस प्रकार से आपको मिल गई, बेस 2 लगा हुआ है, तो इसी प्रकार से अब आपको कैलकुलेशन इसमें करना है, यानी कि 1 × 2 की पावर कितने हैं यहाँ पे 2, इसी प्रकार से 2 × 2 की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आप कंटिन्यू करते चले जाएं, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई और प्लस करते जाएं, आपका जो डिजिट है वो आ जाएगी। तो ये आपका कौन सा कन्वर्जन हो गया, ये आपका हो गया बाइनरी टू डेसिमल। अब डेसिमल अगर आपको दिया, उसको बाइनरी में किस प्रकार से निकालना है, तो डेसिमल और का बेस आपका कितना होता है पहले वो आप समझ लें। तो डेसिमल का जो बेस होता है वो होता है आपका 10 होता है। तो डेसिमल नंबर के जो बाइनरी में बदलते समय डेसिमल नंबर का जो मूल्यांकन होता है उसके 2 के आधार पर विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले समझ लें, इसका जो बेस होता है आपका 10 होता है। मान लीजिए आपको संख्या दी गई है, अब हम कन्वर्सन कर रहे हैं डेसिमल से बाइनरी में, अभी हमने किया था बी से डी में, यानी कि बाइनरी से डेसिमल में किया था, अब कर रहे हैं डेसिमल टू बाइनरी में। अब इसको समझ देना क्या है, बेस इसका कितना आप लेके चल रहे हैं, 10 लेके चल रहे हैं। उसके बाद आप इसमें मान लीजिए एग्जाम्पल आपको दिया 25 और इसका बेस आपको निकालना है इस प्रकार से, तो किस प्रकार निकलेंगे, इसको रिमाइंडर 2 से भाग करते हैं, यानी कि आपने इधर लिखा 25 और इस प्रकार से आपने बनाया, जैसे कि हम लोग मैथ में करते हैं 2 से भाग किया, अब यहाँ से जो जो रिमाइंडर बचेगा उसको लिखते चले जाएंगे, वही आपका आंसर इसमें बनेगा लास्ट में। तो 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, यानी कि 12 आया, रिमाइंडर कितना बचा 1 यहाँ पे बचेगा। उसके बाद 2 × 2 = 12, अब कोई रिमाइंडर नहीं, यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर 2 से किया यहाँ पे 3 आया, फिर यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने 2 से भाग किया, 2 × 1 = 2, तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचा 1 बचा, ठीक है। और फिर आपने एक बार किया 2 से,
अब यहाँ पे कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि से आप कुछ भी लेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, एक बचेगा। तो ये जो डिजिट आएगी ऊपर से नीचे से ऊपर तक जाएगी, ये जो आपका बना वो संख्या क्या कहलाई आपकी, कौन सा कन्वर्जन कहलाया, डेसिमल टू बाइनरी। तो अब यहाँ पे बाइनरी डिजिट आपकी किस प्रकार से बनी, आंसर बना वन वन। अब नीचे से आप ऊपर काउंट करेंगे, ऊपर से नीचे नहीं करेंगे, वन वन जीरो जीरो वन, और बेस आपकी कितनी थी यहाँ पे, दो हो जाएगी, क्योंकि हम बाइनरी में कर रहे हैं इसको, बाइनरी में कर रहे हैं, बाइनरी की बेस कितनी हो गई, दो, डेसिमल की कितनी हो गई, 10। तो इस प्रकार से इसका आंसर बनेगा 11002, बेस बनेगा 2। 10 में बेस दिया था आपको, 2 में निकालना था, 2 में बेस देगा तो आपको 10 में निकालना होगा। इस प्रकार से कुछ भी आपको दिया जा सकता है। तो ये हो गया आपको कौन सा कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, सिंपल सा है। आपको भाग करते हुए चले जाना है और नीचे से ऊपर जाके काउंट आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारे पास है हेक्सा डेसिमल। हेक्सा डेसिमल का थोड़ा सा टेगड़म अलग है, इसमें जो लिखने का तरीका होता है इसमें आपको अल्फाबेट्स का भी यूज करना पड़ता है। तो किस प्रकार से है उसको देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ईजी है, समझ में आपको आएगा। मान लीजिए हेक्सा डेसिमल का जो बेस, सबसे पहले आप पता कर लें, बेस जो होता है आपका वो होता है, सबका बेस आपको बताना चाहिए, हेक्सा का बेस होता है आपका 16। तो मान लीजिए एक एग्जांपल दिया है आपका हेक्सा डेसिमल, अब हम हेक्सा से डेसिमल में कन्वर्जन कर रहे हैं। सबसे पहले तो 4a और 7 आपका दिया हुआ है और नीचे लिखा हुआ है 16। तो आप 16 देख के समझ गए ये आपका क्वेश्चन किसका है, हेक्सा डेसिमल का। आगे चलते हैं, चलिए इसमें क्या आपको करना है, सेम प्रोसेस है। अब इसमें कुछ आपके अल्फाबेट का यूज होता है, उसको मैं अभी आपको बताता हूँ चार्ट के माध्यम से। पहले हम इसका सोल्यूशन करते हैं। फोर, सबसे पहले आएगा आपका 4 इंटू, बेस कितना है 16, की पावर यहाँ पे 2 आपके बेस है, तो यहाँ पे आपने 2 कर दिया आपने, प्लस अब आपने ए लिखा, ए इंटू 16 की पावर, अब आपका क्या आएगा, बचा कितना, 1 बचा, ये आपने कर दिया, ठीक है, प्लस कर दिया लास्ट में आपका 7 इंटू 16 की पावर 0। तो वही वही तरीका है आपका जो आप इसमें कर रहे थे। अब इसमें 4 इंटू, अब यहाँ पे 16 की पावर 2 है, तो ये हो जाएगा आपका 256 प्लस 10, ए की वैल्यू आपकी कितनी होगी, 10। अब यहाँ से समझ लें दोनों चार्ट को, ए की वैल्यू 10 होती है आपकी, बी की वैल्यू 11 होती है। इसी प्रकार से आपका कंटिन्यू आप चलाते जाएं, चार्ट आपका बन जाएगा, एफ तक आपका वैल्यू होती है इसमें, उसके आगे नहीं होती है। उसके बाद अब यहाँ पे हो गया आपका 10 इंटू 16 प्लस 7 इंटू 1, ये हो गया आपकी वैल्यू टोटल। तो टोटल जो आंसर आएगा, अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, 1024 प्लस, इसको जो आप कैलकुलेट करेंगे आपका आएगा 160 प्लस 7, ये आएगा। नीचे आते हैं, अब आएगा आपका टोटल 1191 की बेस हम किस में निकाल रहे थे, डेसिमल में। तो डेसिमल की बेस कितनी होती है, 10। आपने जो वैल्यू ली थी वो कौन सी थी, 4a7 की बेस 16 का आंसर आपका आया 1191 की बेस 10। तो इस प्रकार से इसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। तो आपने देखा सिंपल सा तरीका है इसको कैलकुलेशन करने का, और यही आपको सवाल मिलता है 3 से 5 नंबर का आपके पेपर में। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल द इजी वे में, सिंपल वे में आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इसी का बाइनरी टू अगर हेक्सा डेसिमल निकालते हैं तो किस प्रकार से निकालेंगे, हेक्सा डेसिमल टू बाइनरी। अब इसी का 4a16 का अगर आप निकालेंगे तो 4 का आपका वैल्यू कितना होगा, जैसे कि मैंने आपको अभी चार्ट में बताया था, तो 4 का जो वैल्यू कितनी आई थी आपकी, 4 की वैल्यू थी 0100। तो कुछ आपको चार्ट से पता चल जाएगा, उसके बाद ए की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 1010, जो कि हम लोग अभी निकाले हैं। उसके बाद आपकी 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0111। तो इसका जो आंसर आ जाएगा बाइनरी में 0100100 0101 की बेस 2, ये आपका किसका आंसर आया, इसी क्वेश्चन का आंसर आया। 4a7 को हमने निकाला किसमें, आपका बाइनरी कन्वर्जन में, किस किस रूल के माध्यम से। अभी मैंने आपको बाइनरी में बताया था कि 0 1 2, तो उसका चार्ट बनवाया था आपने, बनाया होगा, उसके अनुसार ये आपका निकाला गया। इसी प्रकार से आपका बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में भी निकाला जाता है।
तो सिंपल सा इनकी कोडिंग आती है और इतना ही आपके कोर्स में है, इसके अलावा नहीं है। ऑक्टल आपका इसमें नहीं दिया इस बार आपके कोर्स में, तो मैंने इसमें नहीं बताया। तो इतनी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। उसके बाद कुछ कोडिंग की स्कीम है, यानी कि स्काई कोड आपका क्या होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। स्काई कोड क्या है आपका, बेसिकली आपके कोड है, जैसे कि स्पेस है, स्पेस का डेसिमल कोड आपका क्या होता है 32। अगर आप स्पेस करते हैं अपने कीबोर्ड से तो आपका वो 32 टाइप होता है आपके कंप्यूटर में, जो कि डिजिट होती है आपके, आपको वो दिखाई नहीं होगी। उसी प्रकार से ए अगर टाइप होते हैं तो आपके कंप्यूटर में 65 टाइप होता है अस्काई कोड डेसिमल में, आपको दिखाई नहीं देगा, आपको ए ही दिखाई देगा, लेकिन जब उसके पीछे की हिस्ट्री आप देखेंगे तो उसमें आपको टाइप होते हुए दिखाई देगा 65। तो ये सारे आपके होते हैं करेक्टर कोड, जिसको कहते हैं अस्काई कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो कि इम्पोर्टेंट है आपको इसके बारे में बताना, जिसकी थ्योरी आपको पूछी जाती है। कोई संख्या दी है 1 2 1, उसको बंद किया, यहाँ जो बेस होता है नीचे, ये जो बेस होता है, ये जो डेसिमल का होता है बेस 10 होता है, तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखें। चलिए आगे देखते हैं। तो बेस द बेस ऑफ नंबर सिस्टम इज 10 बिकॉज वी यूज 10 डिजिट 0 से 9, तो इसका बेस ऑफ का 10 होता है। टू रिप्रेजेंट एनी नंबर, एवरी डिजिट इन ए डेसिमल नंबर हैज ए वेट, द वेट ऑफ द डिजिट डिपेंड अपॉन इट्स रिलेटिव पोजिशन वेट इन द नंबर। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो कुछ इस प्रकार से है, आपको एक एग्जाम्पल से समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 6, थोड़ा सा माउस में चलाने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा, मैं बोल दूंगा नंबर 6498 है, जैसे हम लोग ले रहे हैं एग्जाम्पल एक, थोड़ा सा इसमें बनाने में दिक्कत होती है माउस से। बेस 10 आपको दिया हुआ है, तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे, तो सिंपल सा होता है इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू लगा रहेगा, इसको आपको कैसे कैसे हल करना है, अभी तो सिंपल समझा रहे हैं, अभी आपको कन्वर्जन नहीं बता रहे हैं, अभी आपको खाली डेसिमल नंबर सिस्टम का फॉर्मूला बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये संख्या दी है, जिसको कैसे आपको फॉर्मूले में तोड़ना है, तो आपको लिखना पड़ेगा 6 इंटू, बेस इसका 10 है, तो 10 की पावर 3, जितनी डिजिट होती हैं उससे एक अंक छोड़ के उसको काउंट करते हैं। जैसे यहाँ 4 है, तो जैसे मान लीजिए 6 का वैल्यू लिख रहे हैं, तो 6 को छोड़ के बाकी बची आपकी 3, तो यहाँ बेस 3 हो जाएगी। उसके बाद 4 को लेंगे, प्लस लगाएंगे, उसके बाद पहले प्लस 4 इंटू 10 की बेस, अब 4 के बाद कौन संख्या बची, 2 बची, तो बेस 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको करते हैं, उसके बाद यहाँ प्लस लगाएंगे, नीचे दिखा देते हैं आपको, उसके बाद आपका 9 बचता है, तो 9 इंटू 10 की पावर, अब आपकी बची 8, तो खाली 1 संख्या होती है, तो यहाँ 1, उसके बाद आपका 8 बचा है, प्लस 8 इंटू 10 की पावर, आपका अब कोई संख्या नहीं बची है, तो यहाँ बेस हो जाएगा 0। तो ये कुछ इस प्रकार से इसको लिखते हैं डेसिमल नंबर को। तो ये था आपका फॉर्मूला, तो समझ लिया होगा आपने। तो थोड़ा सा एक चीज़ और देख लें, वेट ऑफ ए डिजिट इक्वल टू डिजिट इंटू बेस की पावर एन माइनस वन, वेयर एन इज पोजिनेटरी देन नंबर। तो वेट ऑफ 6 इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर 4 माइनस 1, तो कुछ इस प्रकार से इसका था। तो 6 इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा, इक्वल टू 6000 आएगा आपका आंसर। तो ये तो था आपका डेसिमल नंबर। तो अब आपको बता देते हैं बाइनरी नंबर क्या होता है, फिर उसके बाद आपको एग्जांपल से कन्वर्जन बताएंगे कैसे कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम समझ लें, द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2, ये नोट डाउन करने की चीज़ है, ये जो बाइनरी नंबर का बेस होता है वो होता है 2। जैसे कि डेसिमल में आपका बेस होता है 10, उसी तरह से बाइनरी में आपका बेस जो होता है वो होता है 2। जैसे कि मान लीजिए 100 लिखा है, ये 121 संख्या दी है, इसका बेस होगा बाइनरी का 2। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, बेस अगर आपको याद है तो आपको कन्वर्जन में कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो टू होता है। इट यूजेस ओनली टू डिजिट, क्योंकि इसमें टू डिजिट यूज होती है, ओनली डिजिट जो है 0 और 1। तो बाइनरी नंबर का बेस टू होता है, जिसमें ओनली टू डिजिट होती है, 0 एंड 1। 0 और 1 आर आल्सो कॉल्ड ए बिट। तो 0 और 1 जो होती हैं उसको हम लोग बिट भी कहते हैं। इन ए बाइनरी नंबर सिस्टम 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय 0। तो 0 0 को रिप्रेजेंट करती है, एंड 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय 1। 1 है जो 1 को रिप्रेजेंट करती है, एंड जो 2 है वो 2 इज रिप्रेजेंटेड 10। तो जो 2 है आपका वो रिप्रेजेंट करता है वैल्यू 10 को। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं किस प्रकार से इसको करते हैं। सेम उसी तरह से इसका भी है। तो मान लीजिए आपको एग्जाम्पल दिया है 1, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं इसको, 1 1 0 1। वन वन जीरो वन की बेस 2 आपको दिया हुआ है, यानी कि बाइनरी नंबर इक्वल टू। तो इसको आपको कैसे करना है, इसको करने के लिए कहाँ कहाँ किधर से किस साइड से काउंट करते हैं, तो आप हमेशा लेफ्ट साइड से इस साइड से काउंट करेंगे। तो 1 इंटू, तो आप यहाँ बेस 2 दिया है, तो यहाँ पे 10 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 की पावर वैसे 3 प्लस, उसके बाद 1 इंटू 2 की पावर 2, उसके बाद प्लस लगाएंगे 0 इंटू 2 की पावर 1, उसके बाद फिर प्लस लगाएंगे 1 इंटू 2 की पावर, अब बचा 0। तो कुछ इस प्रकार से बाइनरी की कन्वर्जन करते हैं। तो इसका टोटल आप लोग करेंगे जब, तो टोटल इसका आएगा 13 की पावर 2 की 8 हो गया, प्लस 2 दूनी 4, यहाँ पे आपका 0 आएगा, प्लस लास्ट में आपका 1 हो जाएगा। तो 8 4 12 और 1 13, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 13। और इसका जब बेस लिखेंगे तो बेस इसका 2 का बेस होता है, बताया गया था अभी आपको, रिप्रेजेंटेड करता है 10 को, तो यहाँ पे आप लोग 10 लिख देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इसमें एक नोट पॉइंट लिख लीजिए, इफ वी ऐड द वेट ऑफ बिट वी गेट इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। तो इसको आप लोग नोट में लिख लें। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे कन्वर्ट द बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। तो बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो अभी हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देंगे। समझ लीजिए आपका ब्लैक बोर्ड है, हम आपको इसी पे समझाया करेंगे। तो चलिए, तो कन्वर्ट द बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर, तो आपको एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। मान लीजिए एक वैल्यू दी आपको, सिंपल सी देते हैं, 1 0 1 0। मान लीजिए आपको ये वैल्यू दी है, वहां पे आपको कोई वैल्यू देते हैं, अभी एग्जाम्पल समझा देते हैं, फिर आपको सब कुछ एकदम क्लियर कर देंगे। मान लीजिए आपको ये दिया है, आपको बोला गया है कि कन्वर्ट करना है आपको बाइनरी टू डेसिमल में। तो सबसे पहले बाइनरी टू डेसिमल में बेस 2 होती है बाइनरी की, आपको पता ही है। तो समझ लीजिए आपको इसको बेस 10 में आंसर लाना है, तो इसको किस प्रकार से हल करना है, सेम प्रोसेस है, आपको लेफ्ट साइड से उठाना है 1 इंटू, बेस है आपका बाइनरी में तो 2 लिखा जाएगा, बाकी लास्ट के 2 बची 3 डिजिट, 1 इंटू 2 की पावर 3। उसके बाद प्लस लगाया, इधर से स्टार्ट करेंगे 0 इंटू 2 की पावर 2, उसके बाद प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1, उसके बाद बता 0 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0। तो अब इसका टोटल कर लेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा।
कन्वर्टर में। तो इसका आपका उत्तर आएगा, जोड़ लें आप लोग, 2 की पावर 8 हो गया, 4 हो गया, टोटल आपका आ जाएगा 10। तो 10 हो गया आपका आंसर। तो सिंपल था ये, बाइनरी टू डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, आप लोग समझ गए होंगे। इसको नोट डाउन कर लें, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम एक दूसरा क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। आपको बाइनरी नंबर दिया है, उसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कोई वैल्यू दी जा सकती है, लंबी चौड़ी वैल्यू भी हो सकती है, छोटी वैल्यू हो सकती है। तो आपको एक दूसरी वैल्यू लेके बताते हैं इसको कैसे कन्वर्ट करना है। सेम प्रोसेस होगा सब में, जब आपको बाइनरी टू डेसिमल में पूछा जाए। चलिए मान लीजिए आपको दिया हुआ है वैल्यू 1 0 0 1 1 0 1 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर की आपको वैल्यूज मान दी गई है, और आपसे कहा गया है इसको बाइनरी नंबर से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सेम है, बेस 2 10 उठाते हैं, 1 × 2 की पावर 7 प्लस 0 × 2 की पावर 6 प्लस 0 × 2 की पावर 5 प्लस 1 × 2 की पावर 4 प्लस 1 × 2 की पावर 3 प्लस 0 × 2 की पावर 2 प्लस प्लस जो आपका आखिरी बचा 1 × 2 की पावर 1 प्लस 0 × 2 की पावर 0। तो ये सारे डिजिट ले ली गई हैं। तो अब इसको आपको खाली टोटलिंग करना है और आपका आंसर आपके सामने है। तो 2 की पावर 7 का जब करेंगे 128 आएगा। उसी तरह से आप सबको करके जब टोटल करेंगे, इसका 2 से मल्टीप्लाई करते जाइए, 2 × 4 × 8 × 16 × 32 64 × 128 इस प्रकार से। तो टोटल आ गया आपका 154, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने आपको दो दो एग्जाम्पल बता दिए बाइनरी टू डेसिमल में। अब बताएंगे आपको डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी आपको बाइनरी टू डेसिमल बताया गया है, अब डेसिमल टू बाइनरी। तो मान लीजिए डेसिमल नंबर दिया है 41, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो उसके लिए तीन चीजें पहले लिख लें आप लोग हेडिंग डाल के, एन यानी कि नंबर, क्यू यानी कोटेशन, और आर यानी कि रिमाइंडर। एन क्यू आर ऐसे हेडिंग डाल लें पेज पे अपने। उसके बाद आपको कन्वर्ट करना है 41 को, बेस 10 रहेगा, इसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, यानी कि आपको बेस 2 में आंसर लाना है। तो ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे आपको वैल्यू पुट अप करनी है। तो 41 का कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। तो सिंपल सा प्रोसेस होता है इसमें। मान लीजिए 41 को यहाँ लिखा आपने, इसको आपको क्या करना है 2 से डिवाइड कर देना है। 41/2 किया तो आपका आंसर आया, कोटेशन बचा 20 और रिमाइंडर आपको बचेगा 1। उसके बाद जब आप करेंगे 20 को इधर लाएंगे, 20 को भाग करेंगे 2 से फिर, तो ये पूरी बार हम कट जाएगा यहाँ पर 10 और रिमाइंडर बचेगा 0। उसके बाद जब इधर 10 को लाएंगे बेस 2 को भाग करेंगे तो 5 बेस बचेगा, रिमाइंडर 0। उसके बाद फिर 5 को इधर लाएंगे, भाग करेंगे 2 से तो यहाँ बचेगा 2
बेस रिमाइंडर 1 बचेगा, उसके बाद 2 को फिर इधर लाएंगे, मार्क करेंगे 2 से, तो आपका बचेगा 1 और इधर बचेगा 0। उसके बाद फिर आप जब तक वैल्यू 0 में ना आ जाए तब तक आपको करते रहना होता है। उसके बाद आप यहाँ 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे 1। तो अब ये कुछ कोई वैल्यू नहीं होगी क्योंकि 0 आ चुका है। तो ये अब आपको कैसे बाइनरी नंबर पता चले कौन सा है, तो बाइनरी नंबर आपका ये जो निकल के आया है ये आपका बाइनरी नंबर कहलाएगा। तो इसको लिखना कैसे है, ऊपर से लिखना है कि नीचे, तो इसको नीचे से ऊपर की तरफ काउंट करके लिखना होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा, इसके अंदर आंसर लिख दे रहे हैं, नीचे से काउंट करेंगे 1 0 1 0 0 1 0 0 1 की बेस बेस आपकी 2 हो जाएगी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन है। तो जो मैं करवाऊंगा अभी उसको आप नोट करते रहिएगा, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है क्योंकि इसमें माउस से बनाना पड़ता है ड्राइंग, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो कुछ टेबल मैं बनवाऊंगा, तो वो टेबल को आप लोग बना लें प्लीज, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम की। ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है और कैसे ये काम करता है, तो समझ लें थोड़ा इंग्लिश में और उसको लिख भी लें। दी बेस ऑफ ऑक्टल नंबर, जो इसका आधार होता है बेस, वो होता है 8, यानी 8। दी ऑक्टल नंबर का जो बेस होगा वो 8 होगा। जब भी आप ऑक्टल में कुछ निकालेंगे तो उसका जो बेस आता है ब्रैकेट में लग के नीचे वो होता है 8। थोड़ा माउस में यही दिक्कत होती है, ड्राइंग बनाने में परफेक्ट नहीं बन पाता है। तो ऑक्टल का बेस होता है 8। ओके, दिस सिस्टम यूजेस दी डिजिट फ्रॉम, जो यूज करता है डिजिट फ्रॉम 0 टू, ऑक्टल नंबर की बात कर रहे हैं, 0 टू 7। तो ये जो डिजिट यूज करता है 0 से 7 के बीच में डिजिट यूज करता है। एन ऑक्टल नंबर इज रिप्रेजेंटेड इज बाय द ग्रुप ऑफ 3 बाइनरी बिट। ये 3 बाइनरी बिट की का ग्रुप होता है। हाँ, तो इसका जो ग्रुप होता है वो आपका 3 बाइनरी बिट पे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, फोर इज रिप्रेजेंटेड बाई, जो 4 होगा आपका वो रिप्रेजेंट करेगा 1 सॉरी 1 00। उसी तरह से 6 जो होगा 6 रिप्रेजेंट करेगा आपका 1 1। अब इसको टेबल बना देंगे तो आपको सारे डिजिट का पता चल जाएगा। उसी तरह से 7 जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा 1 1 1। इफ एन ऑक्टल नंबर कंटेन 2 एंड मोर डिजिट, ईच डिजिट इज इंडिविजुअली रिप्रेजेंटेड बाई ए ग्रुप ऑफ 3 बाइनरी बिट। तो आप लोग मतलब समझ गए होंगे। तो अब आपको चार्ट बनवा देते हैं ऑक्टल का, तो उसको जरूर बना लें आप लोग। तो एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान ली 46 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 46 किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 46 इज रिप्रेजेंटेड बाई, इसका आंसर होगा, मान लीजिए आपसे 46 का ऑक्टल नंबर पूछा तो कैसे आप निकालेंगे, तो उसका आंसर होगा 4 का आपको बता चुके हैं 1 0 0 और 6 का 1 1 0। तो आप इस तरह से लिख देंगे तो ये आपका आंसर होगा। तो ये तो एग्जाम्पल लिया था, अभी इसमें टेबल आपको बनवा देते हैं। तो एक एक साइड में आप लोग ऑक्टल नंबर लिख लें, इधर थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ हो सकती है, आप लोग प्लीज समझ लें, OCTAL है ऑक्टल नंबर, और एक साइड में लिख दें बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर पे अपने कॉपी में लिख लें इस तरह से। तो ऑक्टल नंबर आपका जो रिप्रेजेंट करता है 0 से 7 के बीच में करता है। तो अब इधर 0 से 7 रिप्रेजेंट करता है ऑक्टल नंबर, तो इधर लिखते हैं, राइटिंग बार लिखेंगे 0
नंबर वाइज 1 2, जरा से आप दोनों लिख लें, 4 5, इस टेबल को आपको याद रखना है बस, 7, तो इस तरह से आपको लिखना है। अब इसके सामने इसी डिजिट की बाइनरी नंबर आपको लिखनी है, तो 0 के सामने लिख दिया, इस तरह से ना करें आप लोग, मैं सामने कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको डिजिट जो लिखे वो गलत ना हो। तो 0 0 का बाइनरी नंबर होगा इसमें ऑक्टल में, 0 0 0, ठीक है। इसका एक शॉर्ट तरीका होता है लिखने का, वो मैं बाद बताऊंगा, पहले अभी लिख के बता देता हूँ, फिर आपको शॉर्ट में बताऊंगा। तो 0 रिप्रेजेंट करेगा बाइनरी नंबर 0 0 0, तो इससे यहाँ से लिख लें, 1 जो होगा 0 0 1, 0 0 1, 2 0 1 0, उसके साथ 3 0 1 1, 4 का आपका हो जाएगा 1 0 0, 5 का हो जाएगा 1 0 1, जहां समझ में ना आए आप पूछ सकते हैं। 6 नंबर का आपका हो जाएगा 1 1 0, इस तरह से आपको लिखना है, टेबल बनानी है उसको, और याद भी रखना है कि कौन से डिजिट की कौन से बाइनरी नंबर है। 7वां, तो इससे आपका जो क्वेश्चन मिलेगा वो आपको 1 सेकंड में हल हो जाएगा। 7वां आपका है 1 1 1, तो ये आप लोग जरूर नोट कर लें, ये था आपका ऑक्टल नंबर 0 से 7 के बीच में होता है, तो उसकी बाइनरी नंबर, इसको नोट कर लें। उसके बाद अब आपको बताते हैं इसको कैसे, अगर नहीं याद हो पा रहा है इसको कैसे शॉर्ट में लिखते हैं, उसका बहुत सिंपल तरीका है, तो चलिए देख लेते हैं वो भी, इसको साइड में, इसको आप लोग नोट कर लिया होगा। अब इसको हम आपको दिखाते हैं कैसे इसको शॉर्ट में लिखते हैं, कैसे इसको शॉर्ट में अपने आप टेबल बना सकते हैं, मान लीजिए टेबल आप भूल गए कैसे बना सकते हैं। तो 0 से स्टार्ट करते हैं, सिंपल सा तरीका है, बहुत ही आसान तरीका बताएंगे आपको। तो आपको पीछे से स्टार्ट करना है, जो 0 के सामने ऐसे, तो पीछे से 0 बहुत बड़ा हो गया, 0 नीचे, नीचे आपको नीचे लाना है, नीचे आते जाना है, 1 0 1 0 1 0 1, तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट हो गई आपकी, एक लाइन क्लियर हो गई। आपको लिखना था 0 1 0, पीछे से स्टार्ट करना है, 0 1 0 1 0 1 0 1, अब आपको क्या लिखना है बीच वाले में, देखो 3 डिजिट रिप्रेजेंट करता है तो 3 डिजिट को बनाना है आपको। तो दूसरा स्टेप होगा 0 0 1 1, उसके बाद फिर 0 0 1 1, तो बहुत ही सिंपल स्टेप है ये। तो ये 2 स्टेप क्लियर हो गए, अब बची लास्ट लाइन, तो उसमें आप क्या करना है, 0 0 फिर 0 0 1 1 1 1, तो ये देखिए कितना आसान तरीका था। आपको मान लीजिए आपको टेबल नहीं याद है, कोई नंबर के डिजिट नहीं याद है, तो वहां पे आप रफ में तुरंत बना सकते हैं, इसी तरह से पीछे से 0 1 0 1 0 1 0 1, उसके बाद 0 0 1 1 0 0 1 1, उसके बाद 0 0 0 1 1 1 1, तो इस तरह से आप ऑक्टल की टेबल बना सकते हैं। तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल लेंगे, सिंपल सा था, कोई ज्यादा कठिन नहीं था, तो आपके सामने कुछ एग्जांपल लेंगे तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि ये टेबल किस प्रकार से हेल्प करती है। टेबल मैंने मिटा दी गलती की, चलिए कोई बात नहीं, फिर बना देते हैं। तो पहले कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए 44 का, चलिए चलिए 4 का ले लेते हैं, सिंपल सा लेते हैं, 4 का आपको ऑक्टल नंबर बताना है, बेस 8 है, ये क्वेश्चन आया है, इसका आपको बाइनरी में कन्वर्जन करना है, तो कैसे करेंगे, तो ऐसे आप ढूंढेंगे क्या है, हम 4 आपके पास डिजिट आपके सामने है, तो 4 का सीधे आप
टेबल बनाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे 4 का 1 0 0, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। उसी तरह से आपका पूछा जाए 46, अभी मैंने लिया था, इसका बाइनरी में आपसे पूछा जाएगा तो आप 4 का होता है 1 0 0, 6 का हो गया 1 1 0, बेस 2 लगा दें, बाइनरी में कन्वर्ट होगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। टेबल आपने जरूर याद रख लें। उसी तरह से एग्जाम्पल लेते हैं 3 5, एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिएगा आप लोग सही से, 3 5 4 बेस 8 ये दिया हुआ है। कोई भी लंबा सवाल हो, लंबा सवाल का 3 डिजिट ज्यादा सवाल होगा नहीं, और 0 से 7 के बीच में ही संख्या जो होगी आपकी वो मिलेगी। तो इसमें आपका हो जाएगा 3 का आपका हो गया 0 1 1, और 5 का हो गया आपका 1 0 1, और 4 का हो गया आपका 1 0 0, तो ये हो गया आपका कन्वर्ट। तो इस तरह से ऑक्टल टू बाइनरी में कन्वर्जन करते हैं, बहुत ही सिंपल था, आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर कहीं डाउट हो तो फिर से आप लोग पूछ सकते हैं, और कोई क्वेश्चंस हो आपके नहीं आ रहे हो तो वो भी आप पूछ लें, वो बता दिया जाएगा। तो अब हम बात करेंगे हेक्साडेसिमल की, हेक्साडेसिमल को कैसे कन्वर्ट करते हैं और क्या चीज होता है वो, तो उसकी बात करेंगे अब। ये तो आपका कंप्लीट हो गया, तो हेक्साडेसिमल में थोड़ा समझ लें, थोड़ा लिख लें, दो लाइन लिख जरूर लिया करें तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी, अगर आप कॉपी में नोट करते हैं तो, क्योंकि कोचिंग में आप जाएंगे आपको वहां पे भी यही चीजें मिलेंगी। तो इससे अच्छा है कि आप अगर कोचिंग नहीं जाना चाहते हैं, घर पे पढ़ना चाहते हैं, तो आराम से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो बात करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है कि थोड़ी सी परिभाषा समझ लें। द बेस ऑफ दिस सिस्टम इज, इसका जो बेस होता है वो होता है 16। एक सर ये जरूर याद रख लें, सबके बेस अगर आपको याद आएंगे तो आपको कन्वर्जन कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आपके पास रूल और नियम रहेंगे तो आराम से आप कर सकते हैं। एक सर डेसिमल का बेस होता है 16। इट यूजेस द डिजिट ऑफ 0 to 9 सेम एज डेसिमल सिस्टम बट इन हेक्सा डेसिमल। तो इसका जो डिजिट होगा आपका 0 से 9 के बीच में यूज होता है, तो उसमें कुछ टेबल बनेगी, उसको भी नोट कर लें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। इसमें कुछ अल्फाबेट भी यूज होते हैं, तो 10 11 12 13 14, ये 10 से स्टार्ट होते हैं, 15 तक जाते हैं। तो इस तरह से टेबल बना लें, जो 10 रिप्रेजेंट करेगा ए, 11 बी, इस तरह से आपको लिखना है, 12 सी, डी, ई और एफ, एफ तक ये होता है 10 से लेके 15 तक। तो इसमें थोड़ा लिख लें, ए हेक्साडेसिमल डिजिट इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 बाइनरी बिट। ये 4 बाइनरी बिट को रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि आपने उसमें देखा था, उसमें 3 बाइनरी बिट थे, इसमें 4 बाइनरी बिट है। तो एग्जाम्पल के तौर पर समझ ले, जैसे 5 है तो उसका जो बाइनरी डिजिट होगा क्या होगा, 5 का होगा आपका 0 1 0 1, इस तरह से होगा 4 डिजिट का। एंड ए इज, जो ए का आपका होगा 1, ए का देख ले 1 0 1 0, तो कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट होगा ये, टेबल जरूर नोट कर लें आप लोग। उसके बाद समझ लें, इफ ए हेक्साडेसिमल नंबर इज कंसिस्ट ऑफ 2 मोर डिजिट, ईच डिजिट इज रिप्रेजेंटेड इन इंडिविजुअली बाय 4 बाइनरी बिट। तो अब थोड़ा कन्वर्जन देख लेते हैं इसका, एग्जाम्पल से कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आपके सामने ये टेबल बनी हुई है, इसको बने रहने देते हैं, एग्जाम्पल इधर ले लेते हैं, क्लियर हो जाएगा अभी आपको सब। मान लीजिए क्वेश्चन आपका दिया है, कन्वर्ट करना है आपको बाइनरी में 4
बी, इस तरह से आपने देखा होगा पेपर में क्वेश्चन आते हैं अल्फाबेट के, तो आपने सोचा ये क्या दे दिया है, 4B8, थोड़ा साफ नहीं बन पा रहा है, 4B8 आपको ये दिया हुआ है, इसका बेस 16 होता है, और आपको बाइनरी में इसका डिजिट डेसिमल में आपका निकालना है, हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल में। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। तो पहले डेसिमल का बेस आप लोग जानते ही होंगे, इसमें आपको उत्तर लाना है, तो आप लोग देख के समझ जाएंगे, 4 आपका दिया हुआ है। तो इसको पहले इसको 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 फॉर्मूले के रूप में तोड़ लें, इस रूप में, तो 4B का आपका 11 हो गया और 8, तो ये इस तरह से खुल जाएगा ये। उसके बाद क्या करना है, देखिए अब ये इस रूप में हो चुका है, 4, 11, 8, ओके। तो अब इसमें वही बांधने की तरह सूत्र लगाएंगे जो पहले करते थे हम लोग, 4 × बेस इसका 16 है, 16 की पावर, इधर दो डिजिट है 1 और 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो फिर प्लस लगाएंगे, 11 × 16 की पावर 1 हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे, फिर बचे एक डिजिट, 8 × 16 की पावर 0। तो इसका जो टोटल गुणा भाग करके आंसर आएगा 10 08, ये बेस 10, ये आपका इस डिजिट का आंसर हो जाएगा। तो इसको एग्जाम्पल तो नोट कर लें, और समझ में ना आया तो पूछ सकते हैं। तो इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल और हैं, कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अब इसको हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, ये आपका हेक्सा टू डेसिमल था, अब आपका हेक्सा डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए उसका भी एग्जाम्पल एक देख लें, थोड़ा समझ लें उसमें क्या होता है, ये आपको जरूर याद होना चाहिए। और एक चार्ट अभी और बनवाएंगे आपको, 4 बाइनरी डिजिट वाला। तो कन्वर्जन ऑफ हेक्सा डेसिमल टू बाइनरी नंबर, तो समझ लें थोड़ा इसमें क्या है, टू कन्वर्ट ए हेक्सा डेसिमल नंबर नंबर टू इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर, ईच डिजिट ऑफ द गिवन हेक्सा डेसिमल नंबर इज कन्वर्टेड टू इट्स 4-बिट बाइनरी इक्विवेलेंट। तो इसका एग्जाम्पल दे देते हैं, मान लीजिए आपको दिया है 6B9, ये आपका दिया हुआ है, बेस 16 रहेगी, और आपको बाइनरी में निकालना है, यानी कि बेस 2 में आपको उत्तर लाना है। तो उसके आपको चार्ट अभी मैंने बनवाया नहीं है, जब चार्ट बनवा देंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, 4 4 डिजिट का चार्ट अभी आपको बनवा देते हैं। पहले इसका एग्जाम्पल समझ ले किस प्रकार से ये आएगा, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे 6B9, तो आपका ये कुछ इस प्रकार से टूटेगा, 6 का आपका हो गया 0110, उसके बाद बी का आपका हो गया 11 होता है, तो 11 को जब तोड़ेंगे तो 1011, उसके बाद आपका 9 1001, कुछ इस प्रकार टूटेगा। फिर इसको जब कॉम्बिनेशन करेंगे, मिलाएंगे एक ही में, 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर उसका जब बाइनरी में आंसर आएगा तो ये आएगा 1 1 0 1 1 1 0 0 1। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेकिंग हो गई शायद, यहाँ पे 1 0 ये 3 बार हो गया, तो इसको काट देते हैं, 2 ही बार होगा,
1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 की बेस 2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। पहली संख्या आपकी हटा दी जाएगी जीरो शुरू की। तो उसी तरह से और एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं डेसिमल का। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए डेसिमल ने पूछ लिया आपका 6D पॉइंट दिया डेसिमल में, 3A ये बेस 16 ये आपका दिया हुआ है और आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है यानी कि बेस 2 में। तो उसमें क्या प्रोसीजर होगा? सेम प्रोसीजर है, वो भी वही। तो 6 का आपका 0 1 1 0, डी का आपका 1 1 0 1 डेसिमल लगाया ना डेसिमल इस वजह से, 3 का आपका टूटेगा 0 0 1 1 और 1 आपका टूटेगा 1 0 1 0। तो इस प्रकार से खुल के आएगा। इसको कंबाइन करेंगे 0 1 1 0 1 1 0 1 पॉइंट 0 0 1 1 1 0 1 0 बेस 2 के बाद कैसे लिखेंगे? शुरू के एक डिजिट हटा देते हैं हम लोग, 0 हमेशा हटाई जाती है, 1 0 1 0 1 पॉइंट 0 0 1 1 1 0 1 और ये बेस 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6D.3A का। तो ये था आपका एग्जाम्पल। तो अब आपको चार्ट बता देते हैं जो 4 बाइनरी डिजिट का चार्ट बनेगा। उसको क्या कहते हैं? बीसीडी कोड कहते हैं उसको। तो वो जब आपको मिल जाएगा तो ये जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं रेट वाले अभी आपको बता देते हैं। एक और एग्जांपल ले लेंगे। ये तो चार्ट आपको बनाना ही है, बता देते हैं। अब जो मैं चार्ट बताने जा रहा हूँ 4 बाइनरी बिट का, उसको जरूर नोट कर लें, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लंबा भी है। तो एक साइड आपको लिखना है डेसिमल नंबर, समझ लीजिएगा मैं बोल दे रहा हूँ, चलिए DECIMAL डेसिमल नंबर, एक साइड आपको ये लिखना है। ओके, उसके बाद आपको राइट साइड पर लिखना है BCD कोड। ये आपकी हेडिंग रहेगी दोनों साइड में। उसके बाद आपको क्या लिखना है? 4 बाइनरी डिजिट लिखनी है आपको, डिजिट लिखनी है 8, कॉमा कॉमा ना लगाएं, खाली ऐसे लिखें जैसे हम बता रहे हैं, 8 4 2 1। ये डिजिट आप लोग लिख लें। उसके बाद इधर क्या लिखना है आपको बता देते हैं। इसके नीचे से ना लिखिएगा, एक लाइन यहाँ ऐसे कर दीजिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। अब इसके नीचे नीचे से आपको संख्या लिखनी है, तो ये संख्या लंबी जाएगी थोड़ी, इसको चार्ट में ना भी आ पाए। तो कितनी आती पहले उतनी लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। काफी लंबा चैप्टर है ये, एक दिन का चैप्टर नहीं है, तभी मैं पूरी वीडियो कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ एक ही वीडियो में, हेक्सा और ऑक्टल, तो काफी क्वेश्चन आते हैं इसके हर बार।
तो अब इसको कैसे लिखना है आपको चार्ट को, मैंने 8 तक लिया है, 9 तक बनती है, वो बाद में बता देते हैं। सेम प्रोसेस जो हम लोग ने थ्री बाइनरी डिजिट वाले में जब बनाया था, पीछे से स्टार्ट करके 0 1 वाला, वो तरीका आपको बता देंगे, अभी समझा देंगे। पहले आप इसके डिजिट लिख लें, तो 8 के नीचे 0 0 0 0, तो 0 के सामने आपका आएगा 0 0 0 0, ये 0 के सामने आपको लिखना है। फिर 1 के सामने क्या लिखना है, 0 0 0 1। उसके बाद 2 के सामने लिखना है 0 0 1 0। उसके बाद 3 के सामने लिखना है 0 0 1 1। उसके बाद 4 के सामने लिखना है 0 1 0 0। उसके बाद 5 के सामने, इसके सामने सामने लिख लेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा आपका। मैं तो माउस से लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसके सामने क्या लिखना है। 5 के सामने आपको लिखना है आप 0 1 0 1। 6 के सामने लिखना है आपको 0 1 1 0। ये चार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्ट है, इसको अगर आपको चार्ट याद है तो आप सारे सवाल चुटकी में हल कर सकते हैं, वरना आप इसे बाइनरी कन्वर्टी करते रह जाएंगे। तो अब 7 का देख लेते हैं, 0 1 1 1। उसी प्रकार 8 का देख लेते हैं, 1 0 0 0। इसी तरह 9 का भी होता है, तो 9 का भी आपको बता देते हैं बाद में। 9 का आप लोग लिख ले 1, इधर लिख देते हैं, चलिए 9 का छोटा सा तो पेपर है, 9 का इधर लिख देते हैं 1 0 0 1। तो ये कुछ इस प्रकार से चार्ट बनता है आपका पूरा, 0 से 9 तक का हमने बनाया है, आगे तक होता है, बाकी आपका आगे तो आपका ABCD स्टार्ट हो जाता है, तो 0 से 9 तक आपका ये हो गया। तो इसको लिखने का तरीका आप लोग समझ ही गए होंगे, इधर से मान लीजिए ऐसे अगर आज याद करने में दिक्कत होगी तो इसको शॉर्ट में कैसे बनाते हैं, तो पीछे से स्टार्ट करेंगे 0 1 0 1 0 1 0 1 और 0 और 1। इसी प्रकार से सेकंड लाइन में लिखेंगे तो 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0। तो इस तरह से आप लोग बनाएंगे तो बहुत आपको आसान होगा चार्ट बनाने में वहां पे। इसके बाद फिर क्या बनाएंगे, 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0। तो लास्ट लाइन में यही कंटिन्यू चलेगा, 0 0 0 0 0 0 0। उसके बाद लास्ट में 1 1। तो बहुत ही सिंपल है चार्ट बनाना ये। ये जब आप चार्ट बना लेंगे तो आप कोई मान लीजिए एग्जांपल देते हैं, सवाल आपको मिलता है कोई, तो कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, बहुत ही सिंपल है। इसको अगर आपने इसको याद करके बना लिया तो आपको चुटकियों में सवाल हल हो जाएंगे आपके। तो मान लीजिए आपको कोई कोई क्वेश्चन दे, अब ये मैं मिटा देता हूँ, अगर आपने नोट कर लिया होगा, वीडियो को रोक के आप लोग नोट कर लें, डायग्राम चलिए बने रहने देते हैं, यहीं पे एग्जाम्पल दे लेते हैं। मान लीजिए आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 2AC का आपको बाइनरी निकालना है, 2AC का। तो 2, अगर आपको 2 का नंबर याद है तो आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। तो 2 का यहाँ पे आप देख लें, ये 0 का होगा, ये 1 का होगा, ये 2 का होगा, 0 0 1 1, 0 0 1 0, ये हो गया 2 का। उसके बाद ए का आपका होता है 10, तो 10 के डिजिट इसमें नहीं है, तो आगे उसी तरह से कंटिन्यू करके लिख लें, तो इसका हो जाएगा 10 का 1 0 1 0। तो ये 10 का हो गया। उसके बाद बचा आपका सी, सी का आपका होता है 12, तो उसी तरह से कंटिन्यू करके नीचे चार्ट में जब आप बना देंगे तो 12 का भी निकल आएगा,
तो 12 का आपका हो जाएगा 1100। तो इस तरह से ये इसका आंसर मतलब कन्वर्जन हो जाएगा। अब इसका आंसर बता देते हैं, अभी आपको एक चीज और समझा देंगे। ये इसी डिजिट में अगर आपको आगे नहीं जोड़ना है तो कैसे आपको लिखना है वो भी बता देते हैं अभी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1 0, ये ब्रैकेट है, 1010, फिर 1011 बेस 2। तो ये आपका 2AC का आंसर हो जाएगा। तो जब आपको ये याद रहेगा तो आप आराम से ये बना सकते हैं। अब आपको बताते हैं, मान लीजिए 9 के आगे आप डिजिट नहीं बना पा रहे हैं या नहीं बना जाते हैं तो उसके आगे कैसे आपको लिखना है, तो देखिएगा कैसे बताते हैं अभी आपको। तो मतलब 9 के आगे से 10, 11, 12 का आपको डिजिट दिया हुआ उसका निकालना है। तो ये 0 है, यहाँ पे हम 3 मान लेते हैं, तो ये 3 है। तो जब आपको 3 नंबर का देगा तो आपको 0000 लिख देना है, 0001 लिखना है। इसका चार्ट अलग बनता है, वो मैं आपको फिर बाद में बता देता हूँ। तो अभी आप यहीं तक रखें क्योंकि थोड़ा लेंथी हो जाएगी वीडियो फिर काफ़ी। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आ गई होगी ऑक्टल और हेक्सा का।